अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं उस्ताद बुखारी और आप देख रहे हैं उस्ताद बुखारी यूट्यूब चैनल। तो जी नाजरीन, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ख़ास चीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह अपनी फेसबुक आईडी पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर के लिए फ्रेम बना सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि फेसबुक पिक्चर फ्रेम क्या होता है, मैं उनको बता देता हूँ कि वो क्या चीज़ होती है। जिस तरह आप देख रहे हैं मेरी आईडी पर जो तस्वीर लगी हुई है, इसके नीचे ये शेयर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद मेरी अपनी तस्वीर लगी हुई फ्रेम में, इसी तरह मैं इनको किस तरह बनाता हूँ वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। और बैकग्राउंड वीडियो का और फोटो का बैकग्राउंड किस तरह मैं आसानी से काट सकता हूँ, और किस तरह वो कौन सी ऐप है जो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड काटती है। तो जी नाज़रीन, इसके लिए आपको रिमूव डॉट बीजी एक प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिलेगी, जिससे आप बसानी अपनी किसी भी किस्म की फ़ोटो हो या वो टेक्स्ट फ़ोटो हो उसका बैकग्राउंड काट सकते हैं, ऑटोमेटिक वो काटती है। रिमूव डॉट बीजी मैंने इंस्टॉल की हुई है ऑलरेडी, तो ये आप देख रहे हैं कि रिमूव डॉट बीजी बैकग्राउंड 100% ऑटोमेटिकली ये काटती है। एआई का आपने ये ऐप करा लेनी है, उसके बाद जिस फ़ोटो पे आपने अपना फ्रेम बनाना है वो वाली फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। मैं तो इसमें अपनी फ़ोटो पर फ्रेम बना रहा हूँ। तो जी नाज़रीन, इसके और वो कौन सी वेबसाइट है जिसमें फ्रेम बनाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो वेबसाइट नहीं, फेसबुक की फ्राहम करदा फैसिलिटी है, फेसबुक फॉर डिवेलपर्स है, वो डिवेलपर्स के लिए, लेकिन आम लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जी नाज़रीन, आपने लिखना है मैक एफबी फ्रेम, ये आप लिखेंगे तो ये लिखा हुआ आ जाएगा फेसबुक फ्रेम स्टूडियो फेसबुक फॉर डिवेलपर, ये आपने ओपन कर लेनी है। तो जी नाज़रीन, चलिए अपनी वीडियो की जानिब चलते हैं। ये जो लिखा हुआ है क्रिएट फ्रेम, मैंने बहुत सारे फ्रेम बनाई हुए इसलिए लिखा हुआ है इधर मैनेज फ्रेम। तो जी नाज़रीन, हम क्रिएट फ्रेम पर क्लिक करते हैं। ये इस किस्म को कोई इंटरफेस आता है सर, ये अभी पेज लोड हो रहा है, ये अभी ओपन हो जाएगा। तो जी नाज़रीन, ये आप देख रहे होंगे मैंने इनकी डिलीवरी ऑन की हुई, ये एक्टिव फ्रेम्स है दो और बाकी सब फ्रेम्स ऑफ हैं। ये आप देख रहे हैं यूजर्स इसके 35 हो चुके हैं, ये मैंने जो पोएट्री वाला लगाया हुआ था फ्रेम, और भी इसी तरह के फ्रेम्स हैं आप देख रहे होंगे। ये मेरा अपना फ्रेम है इधर, ये फ्रेम देख रहे होंगे आप, ये भी मैंने एक एफबी आईडी के लिए बनाया था, ये मेरा अपने भाई का है आईडी का है फ्रेम, आप उनकी आईडी ओपन करके देख सकते हैं। तो जी नाज़रीन, अभी मैं आपको बनाना सिखाता हूँ ये किस तरह आप बना सकते हैं। ये फिर मैं क्रिएट फ्रेम करता हूँ। तो जी नाज़रीन, हम अपना फ्रेम बनाने की तरफ जाते हैं। अभी आपने क्रिएट फ्रेम करना है, ये पेज लोड हो रहा है, ये इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से थोड़ी देर लगा रहा है। तो जी नाज़रीन, ये आपने देख लिए होंगे फ्रेम्स जो मैंने बनाए, आपने इधर ये करना है कि इधर आपने चले जाना है ओपन फ्रेम स्टूडियो, ये आपको दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करें। तो जी नाज़रीन, ये ओपन हो चुका है फ्रेम स्टूडियो। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ कि आप किस तरह से अपनी पिक का बैकग्राउंड काटेंगे। हम आ जाते हैं अपनी इस ऐप में रिमूव डॉट पीजी, ये बहुत ही अच्छी ऐप है। तो जी नाज़रीन, मैंने इधर से आप अपलोड इमेज करेंगे और इधर बैकग्राउंड काटा हुआ आ जाएगा। तो जी नाज़रीन, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जी नाज़रीन, ये डाउनलोड हो चुकी है। आपको आपका जो भी नाम है उस नाम का आपने गूगल से एक अच्छी सी पिक वो भी ले लेनी है अपने नाम की। तो जी नाज़रीन, मैंने तो ली हुई है उसकी, अभी उसका बैकग्राउंड में काटता हूँ।
ये देख रहे होंगे आप साथ ये लिखा हुआ है, ये इसका भी अभी मैं बैकग्राउंड काटता हूँ। तो जी नाज़रीन, इसका भी बैकग्राउंड काट के ये अभी डाउनलोड हो चुकी है। अभी अपने फ्रेम स्टूडियो की जाने फिर वापस आ जाते हैं। तो जी नाज़रीन, इधर जो लिखा हुआ है अपलोड आर्ट, इधर क्लिक करते हैं। इधर आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड काटी हुई तस्वीरें आ गई हैं, ये एक सेलेक्ट करते हैं। तो जी नाज़रीन, ये इधर हमारी इमेज आ चुकी है। इसका साइज छोटा करेंगे थोड़ा सा। ये अगर आप कंप्यूटर पर बनाए तो ये बहुत ही अच्छी बनेगी। इसको मैं थोड़ा सा ये इधर से छोटी हो जाएगी। थोड़ी सी इसकी टच की प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से इस तरह हो रही है। कंप्यूटर पर जब आप बनाएंगे तो आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये मोबाइल है तो इस पर टच काम करते हैं। तो जी नाज़रीन, मैं आपको अभी अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके जा रहा हूँ, वहाँ आपको मैं ये बताऊँगा कि आप उधर किस तरह बनाएंगे। तो जी नाज़रीन, क्योंकि मोबाइल में थोड़ा सा इसके टच प्रॉब्लम होंगे, इसमें आप आसानी से नहीं बना सकते। आपको इस ये काम करने के लिए एक अदद लैपटॉप या कंप्यूटर का होना आपके लिए ज़रूरी है। तो जी नाज़रीन, मैंने भरपूर कोशिश की थी कि इधर बना के आपको दिखा सकूं, लेकिन इधर थोड़ा से प्रॉब्लम हैं इसके टेक्निकल। तो चलिए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाते हैं, उधर आपको वॉइस तो नहीं आएगी लेकिन आपको इससे आके तरीका समझ आ जाएगा। तो जी नाज़रीन, हम चलते हैं अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर।